क्या तहलका मचाया सर ने, सुबह सुबह उठते ही इन्हें खाना चाहिए होता है। दे रहे भाई दे रहे, दे रहे मम्मा दे रहे, दे रहे मम्मा दे रहे, दे रहे। चीपी चीपी चापा चापा, रूबी रूबी राबा राबा। सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे राजा बेटे को खाना मिलता है। दिस इज माई फेस इन द मॉर्निंग। आई थिंक मेरा फेस थोड़ा स्वेल लग रहा है बिकॉज आई हैड अ लॉट यस्टरडे। बहुत खाना खाया है, जब से साहिल आ रहे हैं मैं तब से खाना ही खा रही हूँ। एंड अवॉइड ईटिंग ऑल ऑफ दिस। मैं अपने घर नहीं जाती दिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट ईट एनी थिंग। मैं अपने मम्मा मुझे बुलाती रह जाती है फ़ोन पे कि आ जा, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ बिकॉज मुझे चीट नहीं करना होता है। बट यहाँ पे बताओ, मैं अपने घर पर बैठ के चीट कर रही हूँ, समोसे खा रही हूँ, पराठे खा रही हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ खाया है। तो आई हैव टू टॉर्चर टुडे माई सेल्फ, पर उससे पहले तो ब्रश किया जाए। बाय द वे, मैं ऐसी इंसान हूँ जो बिना ब्रश किए पानी तक नहीं पीती, सो लेट मी नो क्या आप भी मेरी तरह साइको हो। सो इन द मॉर्निंग आई ड्रिंक 1 कप वॉर्म वाटर। चेयर्स बेस्टीज। ऐसा लगता है गर्म पानी से ना फैट जा रहा है। आई नो इट्स अ मिथ बट क्या करें, खुशी तो मिलती है ना, जस्ट एंजॉय। मॉइस्चराइजर भी खत्म हो गया और लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा थे, गरीबी रहे। गुड मॉर्निंग बेस्टीज। एंड आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा एक्चुअल मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। बस बेसिकली वही आज आपको दिखाने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना बेड बनाना भूलना मत, और मेरे हिसाब से इज द बेस्ट थिंग कि आप जब अपना बेड खुद से बनाते हो, इज द बेस्ट थिंग। हमेशा अपना बेड अपने आप ही बनाना चाहिए, ना कि किसी और से बनवाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई थिंक बेड इज वेरी पर्सनल थिंग एंड आई शुड डू इट बाई योर सेल्फ। डन। द टफेस्ट पार्ट इज व्हाट शुड आई वेयर फॉर द जिम। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, शुड आई डू ऑल ब्लैक इन द जिम टूडे और शुड आई डू ब्लैक एंड वाइट, विच वन आई शुड डू। आई थिंक वी शुड डू ब्लैक एंड वाइट। थोड़ी सी सनस्क्रीन लगा ले। टाइम टू ड्रिंक कॉफी एंड टाइम टू फिक्स माई थोपड़ा बिकॉज या मैं ऐसे नहीं जाती हूँ जिम। अब बहुत सारे लोग कॉमेंट करे, मेकअप करके जिम जाती हो। सनस्क्रीन मेकअप नहीं होता है, ब्लश करना मेकअप नहीं होता, मेकअप इज अ वेरी होल प्रोसीजर, वो नहीं कर रहे हैं हम। सिर्फ थोड़ा सा सनस्क्रीन और थोड़ा सा ब्लश लगा रहे हैं ताकि हम क्यूट लगे। हाँ मुझे अच्छा लगता है, अच्छा हमेशा दिखना इज अ गुड थिंग राइट। मैं ऐसे आलसू की तरह नहीं जाती हूँ, मुझे लगता है कि आप जब अच्छे दिखते हो तो आपको अच्छा फील गुड फैक्टर भी फील होता है, तो या सो आई डू इट। चेयर्स। यूजिंग दिस वन मेबलिन का, दिस इज द सनस्क्रीन, टिंटेड सनस्क्रीन, सो यू डोंट नीड अ फाउंडेशन और समथिंग लाइक दैट, सो वेरी नाइस। सो काफ़ी सारी बेस्टीज पूछती है कि मैं ये वाला हेयर स्टाइल कैसे करती हूँ। इसके लिए मैं दो पार्टीशन करने अपने बालों के और दो जटाएँ निकालनी है, लटाएँ निकालनी है, बड़े बड़े डिस, और उसके बाद ओ बाय द वे यू नीड दिस, दैट्स इट। अब ये मैंने कहाँ से खरीदा है, ये मैंने एक लोकल मार्केट मंगल बाजार से लिया है बेसिकली, बिकॉज इसकी काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप ये हेयर स्टाइल कैसे करते हो, तो हियर वी गो, द ट्यूटोरियल इज हियर। Just have to wrap your hair और उसको इससे कवर अप कर देना। See? And here we go. I am ready. Bye. मामा जा रही है, मामा जिम से आएगी, फिर नोनो को खाना देगी। मेरा बच्चा। आई जस्ट अबाउट टू लीव, और मैं इतनी स्टूपिड हूँ ना, मैं अपने लिए ओट्स भी खाना भूल गई भाई। खाना इसलिए जो मेरा ब्रंच होता है या ब्रेकफास्ट होता है, जो भी बोलो, जो फर्स्ट मील होता है वो मैं उसमें ओट्स खाती हूँ, और
3 स्पून ऑफ ओट्स आई कैन शो यू या आप लोग इसकी रेसिपी भी पूछ जाते हैं तो हियर वी गो 1 स्पून चिया सीड इट्स गुड फॉर योर स्टमक दैट्स हाउ इट लुक्स एंड आई विल पुट स्लिम मिल्क नाउ वी आर प्रॉपरली रेडी टू हिट द जिम लेट्स गो We are ready to roll now. I just love driving my car. मैं ज्ञान वाली बकचोदी देना चाहूंगी बकचोदी यही कि लाइफ में ना टाइम शेड्यूल होना बहुत जरूरी है इतना फोन खेल रहा है मेरा अरे बाप रे बाप भाई ये तो गिर गया आई थिंक इट्स फाइन नाउ या तो लाइफ में टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है लाइक लिटरली बहुत जरूरी है सुबह मेरे को कोई ऑफिस नहीं जाना या मेरे को कुछ ऐसा नहीं करना कि मैं सुबह स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है तो मेरा 7 o'clock उठ रही हूँ मैं कोई पागल नहीं हूँ बट आई लाइक डूइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज आपका एवरी डे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है एंड काफी बड़ा दिन रहता है आपके पास और सोचने का भी और सब कुछ एंड आई एम अ मॉर्निंग पर्सन सच बता दूं तो मुझे तो सुबह बहुत पसंद है सुबह जल्दी उठना रात को जल्दी सोना आई लव इट आई जस्ट लव दिस एंड दैट्स माय वाइब तो या अभी हम जा रहे हैं जिम और आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग बिकॉज आप जिस अगर 3 दिन अगर आप उठ के देखोगे आप बोलोगे वाओ डूड दिस इज सच अ नाइस फीलिंग That's how I feel it. And now we are going to the gym. I am at the gym. And there's a lot of music. God. जिम से बाहर आई हूँ दिस इज गोना बी फर्स्ट थिंग आई एम गोना लाइक कॉफी के बाद आफ्टर जिम आई ड्रिंक दिस कोकोनट वाटर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जैसे मेरा हैंडल बीच में आ रहा है इसे कैसे हटाऊँ या काफी लोग मुझसे स्नैपचैट पे बोलते हैं कि आप इतना लेट जिम क्यों जाते हो तो सब कुछ रियल नहीं होता जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो मैं पोस्ट लेटर करती हूँ मैं जिम जल्दी जाती हूँ जैसे मैं 8 o'clock जिम पहुँच गई थी बट अभी क्या टाइम हो रहा है अभी 11:30 हो गए क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी आधे घंटे तक तो या नाउ आई विल गो होम आई विल डू माई थिंग्स देन आई विल पोस्ट दैट्स हाउ सोशल मीडिया वर्क्स जो भी आप देखते हो इंटरनेट पे वो रियल नहीं होता है पूछ रहा कहाँ गए थे मम्मा जिम गई थी बुबू जिम गई थी मैं जिम आ गई हूँ ना अब आपके पास ठीक आपको नहीं ले जा सकते जिम भाई कैट्स नहीं जाती जिम अब देखो स्क्रैच ही करेगा क्योंकि वो खुश है मैं आ गई हूँ एंड आई एम डन विद द जिम अब मैं आ गई हूँ बेटा अब मैं घर आ गई हूँ और लेट्स सी कि क्या करना है सबसे पहले हम लोग चेंज माई क्लोथ्स एंड आई टेक अ शावर मैं अभी घर पे पहुंच गई हूँ आई विल जस्ट एडिट माई वीडियो आई वॉज डूइंग दैट ओनली सो आई एडिट माई वीडियो एंड आई पोस्ट एंड देन आई मेक माई ब्रेकफास्ट एंड आई ईट एंड देन उसके बाद मैं नहाऊंगी या सोचा था कि थोड़ा रेस्ट करूँगी बट आई वॉज इन द कॉल इम्पॉर्टेंट कॉल और 1 घंटे की कॉल थी काफ़ी लंबी बात हो गई बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट तो बट इसके बाद वर्क रिलेटेड बट अब इसके बाद मैंने अपना डिनर सॉरी लंच ब्रंच बना लिया है विच इज़ माई ओट्स आप लोग पूछते हो कि इसके अंदर क्या क्या डाला है इसके अंदर ओट्स है आपको बेस मैंने दिखा दिया अब इसके ऊपर फ्रूट्स है दैट्स इट एंड एग्स ठीक है और दिस इज व्हाट आई एम गोना ईट नाउ दिस इज गोना बी माई फर्स्ट मील या दिस इज गोना बी माई फर्स्ट मील अगर मेरी डाइट की बात करें तो मैं सीधा ब्रंच करती हूँ जिम से आने के बाद आपको मैंने दिखाया है जिम से आने के बाद मैं नारियल पानी पीती हूँ उसके बाद मैं ये खाती हूँ क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ और मैं लंच भी नहीं करती हूँ तो ये उसके बीच का ही टाइम है तो ब्रंच है
और जो कि एक्चुअल में ब्रेकफास्ट है बट ब्रंच टाइम पे, उसके बाद मैं सीधा डिनर करती हूँ. अब बीच में मैं स्नैकिंग करती हूँ फ्रूट्स के साथ, मैंने फ्रूट्स खा लिए, प्रोटीन पी लिया. और डिनर में आज तो मैं चिकन, मैं बहुत ही थोड़ा सा राइस और चिकन खाती हूँ, बट आज तो मैं राइस अवॉइड करूँगी बिकॉज कल मैंने बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा लिए, तो आई हैव टू कट डाउन माई कार्ब्स लाइक फॉर 2-3 डेज मैंने डिसाइड किया है. सो आई विल नॉट हैव राइस टुडे, आई विल हैव चिकन और वेजीज. Now it's time to play with Nomu. कौन खाएगा ट्रीट? ट्रीट कौन खाएगा? बुबू लव खाएगा ट्रीट? मम्मी से ट्रीट मांग रहे हो? चलो पाओ तो पाओ. ट्रीट फिशी है ना? ये ना फिशी. ट्रीटी. Good boy, good boy. Time for shower. Done with shower, now I'll get ready and I'll go out. Now it's time for protein and some fruits. Snacking time ho chuka hai mera, jisme main protein leti hu aur fruits khati hu. Aur that's how I spend my almost day time pura nikal chuka hai. Just I'll have my dinner. I have a meeting actually. I'm going for that. उसके बाद मैं घर आऊँगी, अपना डिनर करूँगी और फिर नूनू को भी डिनर करा के फिर सो जाऊँगी. दैट्स हाउ माई डे गोज. बट दिस वॉज माई एक्चुअल मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि हाउ आई वर्क आउट, हाउ आई गो टू द जिम, व्हाट आई ईट. सो आई होप दिस वीडियो विल मोटिवेट्स यू और आपको वर्कआउट करना. अगर आप नहीं करते हो तो आपको मन करेगा, और अगर आप वर्कआउट करते हो और आप सोच आप इवनिंग में जिम जाते हो तो आई जस्ट सजेस्ट यू. आई यूज टू गो जिम इन द इवनिंग बट अब मैंने चेंज कर लिया है और अब मैं मॉर्निंग में जाती हूँ और आई फील सो गुड एंड रिफ्रेशिंग आफ्टर माई जिम. थोड़ा टायर्डनेस होता है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद यू फील सो गुड, सो अमेजिंग. सो आई थिंक यू शुड गो टू द जिम इन द मॉर्निंग. वो ज़्यादा इफेक्ट भी करता है बिकॉज आप खाली पेट वर्कआउट करते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो बेस्ट चीज़. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कॉमेंट में बताना मुझे, और मैं आपको अपना फुल डे और वर्कआउट रूटीन भी बताऊँगी अच्छे से कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, अपर बॉडी वर्कआउट. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाई.